तो मुझे भी पता नहीं था कि पानी की गुणवत्ता की जांच कहीं कराई जा सकती है, और वो भी उस पर कि जब मैं पानी के इंजीनियर के घर पैदा हुआ, पानी की रोटी खाकर के बैठा हुआ, मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी कि एक साधारण आदमी जाकर के किस तरह से पानी की जांच करा सकता है। हमने एक व्यवस्था खड़ी करने की कल्पना की, आने वाले समय में देश के प्रत्येक ब्लॉक पर और हर एक जिले पर इस तरह की अक्रेडिटेड लेबोरेटरी होगी। हम उस संसाधन राज्यों को मुहैया करा रहे हैं और लगातार राज्यों को इसके लिए परसुएट कर रहे हैं, जहां कोई भी व्यक्ति जाकर के अपने पीने के पानी की, अपने खेती के उपयोग में लिए जाने वाले पानी की, कि वो पानी कितना सुरक्षित है, उसकी गुणवत्ता की जांच एक सामान्य शुल्क देकर के 25-30 रुपए का शुल्क देकर के करवा पाए। और इससे आगे बढ़कर भी हर एक गांव में जहां जल जीवन मिशन का काम चले, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसको डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, गाँव की समितियों को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, गाँव की समितियां विलेज वाटर कमेटी जो है वो इसके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम करे। हमने गांव की समितियों को उनके द्वारा दिए गए धनराशि को वापस उन्हीं को मेंटेनेंस के लिए देने का प्रावधान किया है, लेकिन साथ ही साथ में हर एक पंचायत में 5 महिलाओं को इसके लिए ट्रेन किया जाएगा, जिसकी यात्रा प्रारंभ हो गई है। आदरणीय भक्ति जी और इसके अतिरिक्त जो सरपंच यहाँ बैठे वो निश्चित रूप से इस बात से तायिद करेंगे, वो और सहमति व्यक्त करेंगे कि उनके गाँव में इस तरह की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है कि 5-5 फील्ड टेस्टिंग किट के माध्यम से महिला टेस्ट करके आपको बता सकेगी कि ये पानी कितना सुरक्षित है। यात्रा केवल यही समाप्त नहीं होने वाली, हमने इसके आगे भी तकनीकी के पर आधारित IoT सिस्टम पर आधारित इस तरह की टेक जो है वो सेंसर बेस्ड टेक्नोलॉजी को डेवलप करने पर काम कर रहे हैं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ एक भारत के तकनीकी और विज्ञान मंत्रालय का, उन्होंने जिस तरह के सेंसर अभी हमें डेवलप करके मुहैया कराए। हमने पूरी दुनिया के सारे तकनीकी के सेंसर के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों से चर्चा की, इजराइल जाकर के मैंने स्वयं वहां जाकर के ऐसी व्यवस्थाओं को देखा और वहां के विशेषज्ञों को बुला करके भी एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की कि भारत की परिस्थितियों के अनुरूप इस तरह के सेंसर्स डेवलप किए जाएं। अभी 10 गाँव में हम प्रायोगिक रूप पर इस तरह के सेंसर्स को स्टडी कर रहे हैं, जहां हमने सेंसर इंस्टॉल किया है। 12 से ज्यादा पैरामीटर्स पर पानी की गुणवत्ता की जांच होती है और वही सेंसर ये बताता है कि कितना पानी घर में गया है, अंतिम घर तक जो है जहां पेल एंड पर जो रहता है उसके घर तक पानी पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, कितने प्रेशर से पहुंच रहा है और समुचित मात्रा में कितना पानी पहुंच रहा है, इस बात की जानकारी आने वाले समय में गांव के मुखिया को भी होगी, विधायक को भी होगी, जिलाधिकारी को भी होगी और भारत सरकार के मंत्री को भी होगी। वो जब चाहे जहां जिस गांव का चाहे देख करके ऐसा डेटा निकाल सके। 100% जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर